इंडियन आउटफिट्स ट्रेडिशनल फोटोशूट है और मुझे बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक एवरी गर्ल लव्स टू ड्रेस अप एवरी डे एंड यू नो फोटोशूट के जरिए मौका मिलता है टू रियली ट्राई डिफरेंट लुक्स एंड इंडियन क्लोथ्स रियली ऑलवेज लुक ब्यूटिफुल, तो मुझे मज़ा आ रहा है. कोई खास स्पेसिफिक ऐसे कपड़े हैं जो आपको सच में पसंद है और आप अक्सर उन्हें पहनती हैं इन जनरल? इन जनरल तो मैं जीन्स ज़्यादा पहनती हूँ, मैं जीन्स गर्ल, बट मौका मिले तो आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई एंड बी द ग्लैमरस बेस्ट. तो मुझे तो शर्ट्स, जीन्स, हाई हील्स आर अ मस्ट, बट इफ गिवन अ चांस आई थिंक इंडियन आउटफिट्स लुक्स रियली ग्लैमरस. यू रिमेंबर योर फर्स्ट फोटोशूट? Oh gosh, my first photo shoot, that's a good question. I don't know if I remember it. It was probably mera portfolio hoga. First photo shoot, maybe I was like 15, Subi Samuel ke saath chahe tha. Yeah, that was my first. Abhi photo shoot aap kar rahi hain, to jaise jo kapde hain, jo log dekhenge, kitna kya kya matlab unke liye hai range, matlab aisa ke dekhenge kapde zyada जो आप लोग प्रमोट करते हैं वो तो बहुत महंगे हो जाते हैं. नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं. आई थिंक द आउटफिट्स, यू नो, व्हेन यू सी इट ऑन समवन, आप अगर उनको पसंद करते हैं और यू गेट एन आइडिया टू सी, जैसे हमारे फोटोग्राफर है अमिताभ जो आज है, ही इज डन सच अ ब्यूटीफुल जॉब, मेड एवरीथिंग लुक सो ब्यूटीफुल, सो यू गेट अ चांस, लोगों को चांस मिलता है कपड़े अच्छे से देखने का. एंड इट्स नॉट दैट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, एवरीथिंग इज अफोर्डेबल, यू नो, नथिंग इज ऑब्नॉक्शियसली प्राइस्ड और एनीथिंग. आखिरी सवाल से पूछ लेंगे. आखिरी नहीं, दो सवाल. अरे तुम एक सवाल सेकंड लास्ट पूछ लो. सलमान की मूवी रिलीज हो रही है रेस 3, बड़ा क्रेज है लोगों में और बज़ बना हुआ है, कितने एक्साइटेड हैं आप? मैंने नहीं, प्रोमो नहीं देखा है अभी तक, बट आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट, सो गुड लक. अच्छा, ईद है, कुछ खास तैयारी, कुछ खास? हाँ, ईद के लिए हमेशा प्रेपरेशंस रहता ही है. एंड अगेन विथ फैशन, हम लड़कियों के लिए तो यही है कि क्या बना रहे, क्या पहनेंगे. एंड आफ्टर होल मंथ ऑफ रमज़ान, आई मीन एवरीवन्स बीन प्लानिंग देयर लुक. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स जो होता ही है ईद में. लेकिन खाना बहुत मज़ेदार रहेगा, एवरीवन्स एक्साइटेड कि जो भी बनेगा घर में, स्पेशली स्वीट्स और सब. तो हर फेस्टिवल जो इंडिया में होता है, आई थिंक एवरीवन रियली लुक्स फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज फैमिलीज गेट टुगेदर, फ्रेंड्स गेट together, so preparation to hai, maza to aayega. So I wish everyone Eid Mubarak and a very happy Eid. लेकिन जिस तरह की ट्रोलिंग होती है, क्या एज एन एक्टर, क्योंकि आप बहुत ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद करते रहे हैं, प्यार करते रहे, लेकिन इस तरह की ट्रोलिंग के बाद आयशा क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप हमें पहली बार मिली हैं उसके बाद? आई थिंक यू नो, एज अ नॉट जस्ट अ पब्लिक फिगर, आई थिंक हर इंसान को ऑनलाइन बुली कहीं ना कहीं किया जाता है. आई फील कि इवन लाइक माई सिस्टर इज नॉट एन एक्टर, बट उसको भी कहीं नेगेटिव ट्रोलिंग या कॉमेंट्स उसके टैटूज पर या उसके लुक पे. तो आई थिंक एवरी वन एट सम लेवल यू नो बुलिंग और ट्रोलिंग फेस करते हैं ऑनलाइन, बट आई थिंक दैट्स जस्ट समथिंग यू हैव टू मूव पास, बिकॉज दैट्स द बैड पार्ट, द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, एंड फोकस ऑन द ब्राइट साइड, एंड आई एम लाइक दैट, सो आई जस्ट फोकस ऑन हैप्पी थिंग्स. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.